नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में कन्फर्म है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दोस्तों, हरिद्वार किस नदी किनारे बसा है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी चंबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है। दोस्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है, यह भी गंगा नदी के किनारे बसा है। ऋषिकेश उत्तराखंड का शहर है, गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना बिहार की राजधानी है, पटना भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है। अब आपको बताना है कोटा किस नदी के किनारे बसा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन आए आप लोग उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आपको बताना है कोटा किस नदी के किनारे बसा है। यहाँ से आपके एग्जाम में कन्फर्म है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सभी लोग इन क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंबल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कोटा राजस्थान का शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। आपको बताना है मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यमुना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मथुरा उत्तर प्रदेश का शहर है, यमुना नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा दिल्ली, ये भी दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा, ये भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है। अब आपको बताना है शहर विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए गोमती नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी मांडवी नदी, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। दोस्तों, पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णा नदी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताना है किस नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरयू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहराइच, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है और सरयू नदी किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है। अब आपको बताना है गुवाहाटी किस नदी किनारे स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग बताइएगा गुवाहाटी किस राज्य का शहर है। जल्दी से आंसर करिए। गुड, यस। दोस्तों, गुवाहाटी असम का शहर है, असम की राजधानी दिसपुर है। अब आपको बताना है गुवाहाटी किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे नहीं बसा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए पटना,
ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। आपको बताना है कौन सा शहर गंगा नदी किनारे नहीं बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी पटना, हरिद्वार, कानपुर, ये सभी दोस्तों गंगा नदी किनारे बसे हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बीएड प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था तिरुचिरापल्ली किस राज्य का शहर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी किनारे बसा है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 1 कावेरी, ऑप्शन नंबर 2 झेलम, ऑप्शन नंबर 3 गंगा, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे बसा हुआ शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक की सबसे लंबी नदी है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कावेरी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको बताना है गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का शहर है, बताइएगा किस नदी किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राप्ती। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको बताना है शहर मदुरई किस नदी किनारे स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। मदुरई दोस्तों तमिलनाडु का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 1 कावेरी, ऑप्शन नंबर 2 ताप्ती, ऑप्शन नंबर 3 गोमती, ऑप्शन नंबर 3 वेगई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, वेगई। यस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है दोस्तों। मदुरई वेगई नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। मदुरई तमिलनाडु का शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूसी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब आपको बताना है ऋषिकेश किस नदी किनारे बसा है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अब आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है ऋषिकेश किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऋषिकेश गंगा नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, अब आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। कन्नौज किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है, जल्दी से आंसर करिएगा दोस्तों। कन्नौज उत्तर प्रदेश का शहर है। कन्नौज को भारत में इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है कन्नौज किस नदी किनारे बसा है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी यमुना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कन्नौज गंगा नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अब बताइएगा किस नदी किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
गोमती, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस ने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे बसा है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ दोस्तों असम का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है उज्जैन किस नदी किनारे बसा है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश का शहर है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। आप लोग याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उज्जैन में। उज्जैन का प्राचीन नाम भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उज्जैन शहर का प्राचीन नाम अवंतिका था। अब आपको बताना है उज्जैन किस नदी किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिप्रा या छिप्रा एक ही बात है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, उज्जैन छिप्रा नदी किनारे बसा है। एग्जाम में अगर छिप्रा लिखा है तो आप लोग इसे भी टिक कीजिएगा, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी बताया था, आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है पटना किस नदी किनारे बसा है। पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। पटना दोस्तों गंगा नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, अब आपको बताना है कोलकाता किस नदी किनारे बसा है। कोलकाता वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है, बताइएगा किस नदी किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हुगली। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किन तीन नदियों का संगम स्थल माना जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का शहर है, आप लोग भी जानते होंगे। अब बताइएगा किन तीन नदियों का संगम स्थल माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गंगा यमुना सरस्वती। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है किन तीन नदियों का माना जाता है, गंगा यमुना सरस्वती का। आप लोग याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आपको बताना है श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झेलम। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, आपको बताना है अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है, बताइएगा किस नदी किनारे स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए साबरमती, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साबरमती। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, अब आपको बताना है नासिक किस नदी किनारे स्थित है। नासिक महाराष्ट्र का शहर है, बताइएगा किस नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोदावरी। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, नासिक गोदावरी नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, सूरत किस नदी किनारे स्थित है। सूरत दोस्तों गुजरात का शहर है, बताइएगा किस नदी किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ताप्ती। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, सूरत ताप्ती नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ताप्ती नदी। इसी को दोस्तों तापी नदी भी कहा जाता है, अगर एग्जाम में तापी लिखा आता है तो आप लोग उसे टिक कीजिएगा, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सूरत ताप्ती नदी किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर मांडवी नदी किनारे बसा है। मांडवी या मांडवी एक ही बात है, बताइएगा कौन सा शहर मांडवी नदी किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पणजी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, पणजी मांडवी नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है जमशेदपुर किस नदी किनारे बसा है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्णरेखा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने नदी किनारे बसे प्रमुख शहरों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आए निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने नदी किनारे बसे प्रमुख शहरों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आए निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।